हाय एवरीवन, दिस इज़ मोमिना एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मरहम सेहतनामा। आज हम बात करेंगे पैनाडोल की शॉर्टेज के हवाले से। पाकिस्तान में पैनाडोल की शॉर्टेज हो गई है और लोकल फार्मेसीज पर भी पैनाडोल दस्तयाब नहीं है। पैनाडोल इज़ एन ओटीसी मेडिसिन जो बुखार और सर दर्द के लिए इस्तेमाल होती है एंड अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन पैनाडोल अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ मेडिसिनल कंजप्शन इन पाकिस्तान। ऐसे में पैनाडोल का ना मिलना इज़ अ मैसिव प्रॉब्लम फॉर अवाम। इस शॉर्टेज की जो वजह रिपोर्ट हुई है वो ये है कि ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन दवाई बनाने की कॉस्ट में इजाफा हुआ है और पैनाडोल के रेट को लेकर हुकूमत पाकिस्तान और पैनाडोल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। इस वजह से फिल वक्त पाकिस्तान में पैनाडोल की प्रोडक्शन को रोक दिया गया है। ऑन द अदर हैंड, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का ये बयान आया है कि पैनाडोल की कोई भी शॉर्टेज नहीं हो रही। अब इसका फैसला तो आप लोग करेंगे। हमें जवाब दें हमारे कमेंट सेक्शन में कि पैनाडोल वाकई में शॉर्ट है या नहीं। जाते जाते मैं आपको पैनाडोल के कुछ अल्टरनेटिव्स बताऊंगी। अगर आपकी लोकल फार्मेसीज पर पैनाडोल दस्तयाब नहीं है तो आप पैनाडोल की जगह कैल्पोल, फिब्रोल, डिस्प्रोल, एस्प्रो और पैरास्टामोल ले सकते हैं। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी जवाब दीजिएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में। और अगला मरहम सेहतनामा देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया।